हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है भाई आप सब अच्छे होंगे, एकदम मस्त मस्त होंगे। वेलकम बैक टू स्टार्स गेमिंग चैनल। तो दोस्तों, आज हम फिर से खेलने वाले हैं फार्मिंग सिमुलेटर 19 और ये है इंडियन फार्म मैप। तो यार, इस मैप के अंदर हम करते हैं ट्रैक्टर की टेस्टिंग। तो आज मेरे पास है बहुत ही बढ़िया ट्रैक्टर और चलते हैं इसके पास, आपको दिखा देता हूँ एक बार। तो भाई, इसे भेजा है जसनूर चंदी ने और इंस्टाग्राम से, और भाई कह रहे इसकी टेस्टिंग करो। तो ये है भाई कुबोता MS111। तो अगर आप सर्च करोगे गूगल पे तो FS19 कुबोता M111 या S11, तो आपको ये ट्रैक्टर मिल जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो लेकिन इस ट्रैक्टर के अंदर दो वर्जन है, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार स्टोर में चल के जल्दी से। तो इसी के अंदर है तो मॉडिफाई है, और चलते हैं एक बार कहाँ गया रे कुबोता। तो ये है कुबोता M111। तो इसकी ऐसे फोटो तो नहीं आ रही, पता नहीं कुछ प्रॉब्लम है इसके अंदर। बाकी इसकी हॉर्स पावर है 78 की और स्पीड है 50 की। लेकिन अगर आप इसका इंजन मोटर 2 कर लोगे तो इसकी स्पीड हो गई भाई, इसकी हॉर्स पावर हो गई 300 की और इसकी स्पीड 60 दिखा रहा है, ये 50 दिखा रहा है। इसकी स्पीड हो गई 63 की। और इसके अंदर टायर है व्हील वेट वाले और एक है नैरो टायर, तो मैंने लिए हैं व्हील वेट वाले। तो ये ट्रैक्टर लिया मैंने 300 हॉर्स पावर का, तो इसकी हॉर्स पावर तो भाई बहुत ही तगड़ी है। तो चलते हैं इसके अंदर और करते हैं टेस्ट। और ये छोटा सा है भाई, देखो कितना प्यारा सा है और कलर भी बहुत ही अच्छा है भाई, कुबोटा। अब इसको कोई कुबोटा बोलता है, कोई कुबोता बोलता है, कोई कुबैतो बोलता है, तो आपकी मर्जी, आपका ट्रैक्टर है। इसको चाहे आप छोटा बोलो, स्वराज बोलो, मतलब जो आपका मन करे वो बोलो। आप छोटा बोलो, वैली बोलो, जो जो आपका दिल करे। तो उसके ऊपर एक बीकन भी लगा हुआ है और भाई इसकी लाइटें भी ज़बरदस्त है, देखो यार। ओह तो भाई देखो भाई, इतनी सारी लाइटें लगा रखी हैं, बहुत ही बढ़िया बनाया भाई ने। मोड़ छोटा सा है और एक बार इसकी लाइटें ज़रा रात को देख लेते हैं कैसी हैं। तो यार इसी से रात हो जाएगी एक मिनट, तो रात के 3 बजा लेते हैं एक बार, देखते हैं इसको चला के। ये भाई देखो क्या गदर लाइटें हैं यार, और इंडिकेटर भी हैं इसके अंदर क्या, एक मिनट। लो भाई इंडिकेटर भी है, इंडिकेटर लगे कहाँ पर, इंडिकेटर नज़र तो नहीं आ रहे, पीछे वाले नज़र आ रहे हैं लेकिन अगले नज़र नहीं आ रहे। और भाई ज़बरदस्त लाइटें मार रहा देखो। तो आज इसका करेंगे टेस्ट, देखते हैं भाई छोटा सा ये ट्रैक्टर, छोटा पैकेट बड़ा धमाका, तो भाई ये कितना माल खींचेगा। और देखो लाइटें देखो भाई, भाई 4, 5, 6, 7, 8 लाइटें लगी हुई हैं, वैसे तो 10 लगी हैं लेकिन 2 जल नहीं रही हैं। और लाइट बहुत ही ज़बरदस्त है, एलईडी लाइट लगा रखी भाई, आजकल एलईडी लाइट का ज़माना हो गया भाई, तरक्की कर ली लोगों ने मतलब दुनिया ने। तो चलो इसको करते हैं एक बार यहाँ पे खड़ा, और स्पीड इसकी 63 की, और भाई पिकअप वगैरह बहुत अच्छा है। तो लाइटें वाइटें कर लेते हैं बंद और टाइम कर लेते हैं भाई एक बार दिन का। तो एक भाई सुबह के 4 बज गए थे, अच्छा तो अब बजा लेते हैं भाई 3 बजा लेते हैं, चलो दोपहर के। ओके भाई चलो ले चलते हैं, अब इसको जंप लगवाते हैं एक छोटा सा, इससे छोटा ट्रैक्टर है तो जंप ही छोटा सा ही मारेगा, इसकी स्पीड इतनी नहीं है। और हॉर्न भाई ने बोला था हॉर्न अपडेट कर लेना, लेकिन मैंने किया नहीं है क्योंकि यार ओरिजिनल ट्रैक्टर है तो ओरिजिनल ही दिखाएंगे आपको। ये देखो भाई छोटा सा, काफ़ी देखने में बहुत ही प्यारा सा है। ओ भाई जा रहा है फुल स्पीड पर यार, ओ भाई भाई ट्रैक्टर बेशक यार छोटा है लेकिन जंप भाई इसने बहुत ही ऊँचा मार दिया कसम से, मज़ेदार। और हिच देखो यार इसकी, तो मुझे लग रहा है इसकी हिच बिल्कुल भाई ओरिजिनल लेटेस्ट वाली है, और इसके जो सारे पीटीओ गियर वगैरह सब बढ़िया काम करेंगे। चलो अब देखते हैं इसका टेस्ट करते हैं, देखते भाई ये 5 मीटर का प्लो या 10 मीटर का प्लो कितनी स्पीड पे खींचता है, और इसको पहाड़ी पे चढ़ाने की कोशिश भी करेंगे बाद में, लेकिन पहले ज़रा प्लो के साथ टेस्टिंग कर ली जाए इसकी। चल भाई आ जा, थोड़ा सा आगे ले चलते हैं इसको, और अब पीछे करते हैं एक मिनट इधर को, बस 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 ओके भाई। लो भाई प्लो तो लग गया, नहाते हैं इसको एक बार अंदर, और प्लो को मैं खोल लूँगा एक बार। तो प्लो अनफोल्ड करके और करते हैं डाउन। लो भाई अब देखते हैं भाई कितनी स्पीड में खींचने वाला है ये। लो भाई भाई 6 पे खींच रहा है छोटा सा है लेकिन देखो 5 मीटर का प्लो भाई ओरिजिनल प्लो है, कोई मोड नहीं है भाई। देखो 6 की स्पीड पे खींच दिया, वैसे मुझे उम्मीद थी कि 12 पे खींच देगा, लेकिन अभी भाई इसमें और पावर चाहिए।
तो चलो 6 पे खींचा इसने, बल्ले तेरे। ओ भाई इतना सा है बस, छोटे सा कॉम्पैक्ट है। अगर इसके सामने कोई अपना ट्रैक्टर देसी खड़ा कर देंगे तो भाई बहुत छोटा लगेगा ये। तो ये है कुबैटो ट्रैक्टर, जापानी ट्रैक्टर है भाई ये, जापान तो बनाता है इसको। तो चलो ठीक है, इसको हटाते हैं अब ले चलते हैं इसको उधर भाई, 10 मीटर के प्लो के साथ लगाते हैं इसको, थोड़ा सा साइड से लेके चलते हैं। बस बस, ओ भाई ब्रेक बहुत ज़बरदस्त है भाई, पैर रखते ही ब्रेक एकदम भांसू लगती है। चल भाई लगा दे इसको बैक। ओके 10 मीटर के प्लो को एक खींच भी लेगा, ऐसे खींच लेगा, ऐसे तो खींच रहा है। अभी देखते हैं, अनफोल्ड करते हैं प्लो को। 10 मीटर का प्लो लो भाई, खिंचन लगा 10 मीटर का प्लो, देख दें भाई कितना दम है, कितना दूध पीता है, नहीं मज्जा गावा का। अब करते हैं प्लो को डाउन, मुझे लगता खींच नहीं पाएगा ये, देखते हैं कितनी स्पीड में खींचेगा ये। अटक गया एक मिनट रुक गया भाई, थोड़ा सा उठा के अंदर लेके आता हूँ। अब करते हैं डाउन, प्लो अभी खुला नहीं था भाई पूरा। चल भाई नहीं खींच पाएगा, थोड़ी नहीं काफ़ी पावर कम है भाई, प्लो का साइज़ देखो ट्रैक्टर से 5 गुना बड़ा है। नहीं भाई पैडल मार रहा है, देखो अपना हीरो ध्यान से देखो पैडल, देखो ये दे रेस और दे दवा एक्सीलेटर, नहीं खींच पा रहा भाई, मुश्किल है। इसका कलर बहुत प्यारा है यार, ऑरेंज कलर है, मैट फिनिश है, बहुत ही अच्छा कलर, बहुत प्यारा लग रहा है। नहीं भाई मुश्किल है, बहुत मुश्किल ज़िंदगी है इसकी। नहीं। तो ये छोटे छोटे जो होते हैं ना 3 मीटर 4 मीटर का प्लो, उसको खींच पाएगा बस। तो ये बहुत बड़ा प्लो है भाई, इसकी सेहत के हिसाब से काफ़ी बड़ा प्लो है, तो इसको नहीं खींच पाएगा। 24 मीटर का कल्टीवेटर भी कहाँ खींच पाएगा ये, देखते हैं। फिर भी कोशिश तो करेंगे भाई टेस्टिंग करके। आ जाए भाई, तो प्लो को एक बार खोल लेते हैं यार, तो कल्टीवेटर को। चल ये तो शुक्र है कि ये खींच रहा है, कई ट्रैक्टर तो 10 मीटर के प्लो को हिला ही नहीं पाते, इसने हिला तो दिया कम से कम। तो जसनूर जंदी भाई कह रहे हैं इसकी टेस्टिंग करो, मैं कहा चलो भाई कर देता हूँ। तो कुबैटो का ट्रैक्टर वैसे ही बहुत अच्छा होता है, और कुबैटो का ट्रैक्टर मैंने देखे हैं तो ज़्यादातर छोटे छोटे मॉडल ही हैं, तो जापान में बंदे भी छोटे छोटे से होते हैं और अपने जैसे ट्रैक्टर बनाते हैं छोटे छोटे। चलो इसको करते हैं डाउन, लो भाई देखते हैं इसको खींच देगा। ये मेरी जान कुबैटो, लो भाई कुबोता ने खींच दिया भाई 4 पे। तो भाई 5 पे, तो यार इसने 5 मीटर का प्लो खींचा था 6 पे, और 24 मीटर का कल्टीवेटर ये खींच रहा है 5 पे, तो इसका मतलब क्या है देखो। यानी कि जितनी पावर इसमें है कल्टीवेटर में, इसको खींचने में जितनी पावर चाहिए उतनी, उससे थोड़ी सी ज़्यादा पावर चाहिए उसको खींचने में 5 मीटर के प्लो को, मतलब हॉर्स पावर ट्रैक्टर की तगड़ी होनी चाहिए। तो भाई 4 पे खींच रहा है, 24 मीटर का कल्टीवेटर है, तो ये मतलब 8-10 मीटर के कल्टीवेटर को आराम से खींच लेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ओ भाई लो और क्या चाहिए। तो चलो ठीक है इसको छोड़ते हैं, इसने 4-5 पे खींचा भाई, इसकी सेहत के हिसाब से ना छोटा वाला प्लो लगाना पड़ेगा। एक मिनट मैं कोशिश करता हूँ एक प्लो लगाने की इसके साथ कोई, एक मिनट रुक जाओ ज़रा, मैं प्लो एक खरीद लेता हूँ उतर के अच्छा सा, कोई देखता छोटा प्लो इसकी सेहत के हिसाब से। तो चलते हैं प्लो के अंदर एक बार, और कहाँ गए रे मेरे प्लो, अरे प्लो कितने चले गए भाई। आ रहे ओ यार इतने सारे मोड हो गए, समझ नहीं आता किधर है। तो ये तो है ओरिजिनल मोड, ये ओरिजिनल प्लो है, तो इसके साथ लगाते हैं। ये क्या है भाई, ओके ये है डिस्क, ओ ये तो 1 मीटर की है यार, ये तो बहुत ही छोटी है, लो ये भी नहीं आ रही। अरे क्या चक्कर है आज सारे यार, मैंने किसी इस मोड को लगाने के बाद शायद ये सारे गायब हो गए। एक मिनट किसी की फोटो ही नहीं आ रही देखो, ओ किसी मोड से गड़बड़ हो गई। अच्छा ओहो मुझे लगता कोई मोड मैंने लगाया है, कहीं मेरे पास और भी मोड आए हैं, इस मोड से गड़बड़ नहीं हुई है, ये गड़बड़ किसी और मोड से हुई है, मैं समझ गया वो किस मोड से है। तो एक भाई ने ट्रैक्टर बना के भेजा था, वो ट्रैक्टर नज़र नहीं आ रहा, तो दिखाता हूँ आपको। ये मीडियम ट्रैक्टर के अंदर चलते हैं बिल्कुल एंड में, तो एक भाई सिद्धू मोड है उसने बना के भेजा था न्यू हॉलैंड 3630, लेकिन देखो
ये ऐसे नजर आ रहा है, पता नहीं क्या चक्कर है, किस मोड से गड़बड़ हो रही है मुझे नहीं पता। तो मुझे ये सारे मोड हटा के एक बार चेक करने पड़ेंगे जो मैंने कल परसों लगाए हैं। तो ये दिक्कत आ रही है भाई, अब ये पता नहीं क्यों आ रही है। तो मैं तो गया था प्लो लेने, नहीं लेकिन भाई प्लो में तो कुछ है नहीं है, तो मैंने क्योंकि सारे प्लो वगैरह जो थे सर हटा दिए। तो एक काम करते हैं, ये है ना 15-16 मीटर की, इसको ले लेते हैं, इसको लेते हैं किराए पे, तो देखते हैं इसको खींच देगा। चल भाई, तो यार किसी ना किसी मोड से ना देखो कितनी गड़बड़ हो जाती है। तो इस किसी की अब मुझे इसकी फोटो नहीं आ रही थी, तो मुझे समझ नहीं आया कि मुझे लगा कि इस मोड में दिक्कत है, लेकिन भाई किसी ना किसी मोड के अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है। चलो इसको लगाते हैं, तवियाँ हैं इसमें छोटी छोटी लगी हुई, ये कल्टीवेटर है, इसको देखते हैं। तो ये छोटा है 16 मीटर का, इसकी स्पीड 12 की है, देखते हैं कितनी स्पीड पर खींचेगा इसको। चल भाई इसको कर ले डाउन, इसको देखते हैं, इसको तो पूरा 12 पे खींच देगा। लो भाई, भाई 12 पे खींच रहा है इसको, देखो। तो मतलब 16 मीटर का कल्टीवेटर और 5-6 मीटर का प्लो खींच देगा ये, जो कि छोटा हो, मतलब वो जो प्लो है वो दूसरे टाइप का है। अगर ऐसा प्लो होगा सीधे में तो ये खींच देगा। लो भाई 12 पे खींच रहा आराम से भाई। कुबोता का ट्रैक्टर छोटा सा है, लेकिन देखो इंजन देखो भाई का सॉलिड है ये। और भाई तेरा बीकन किसने बंद कर दिया? लो भाई 13 पे खींच रहा है। अच्छा हाँ, कल्टीवेटर की स्पीड 15 की होती है भाई, 13 की 12 की नहीं होती। प्लो की स्पीड 12 की होती है, कल्टीवेटर की स्पीड 15 की होती है। तो 13 पे खींच दे, 14 पे भी ले आया भाई। लो 14 पे खींच दिया भाई ने, और क्या चाहिए यार। भाई कितना नंबर दोगे इसको बताओ जल्दी से। मैं देता हूँ इसको 100 में से 80 नंबर, मतलब इसकी सेहत के हिसाब से इतने नंबर सही हैं। चल भाई ओके, चल आ जा, छोड़ दे गुस्सा, जाने दे। चलो इसको ले चलते हैं पहाड़ी के ऊपर। ये भाई खड़ी पहाड़ी तो नहीं चढ़ेगा, साइड से चढ़ाते हैं इसको, देखते हैं कितना जान है इसके अंदर, ऊपर चढ़ जाता है कि नहीं। तो की तो करते हैं अभी फ़िलहाल अंदर, और निकालते हैं इसको साइड से, इधर से खेत के अंदर से निकालते हैं यहाँ से। और हॉर्न इसका बहुत ही बेहतरीन है, दुनिया का सबसे अच्छा हॉर्न भाई यही है। अगर आपको चाहिए तो ऑर्डर कर देना, मैं भेज दूंगा आपको। चल भाई चढ़ जा, देखते हैं यहाँ चढ़ जाएगा। ये गया ओ गया, चल। ओ भाई 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 भाई, भाई। ये ओ भाई चढ़ गया ये तो भाई। ये पहाड़ी तो चढ़ जाते हैं सारे, ये भी चढ़ जाते हैं, लेकिन वो पहाड़ी है ना ऊपर, ये जो मेन पहाड़ी है, इसको देखते हैं अब ये चढ़ जाएगा कि नहीं। तो यहाँ से चढ़ाते हैं इसको सीधा। चल भाई सीधा चढ़ गया, देखते हैं इसको भी चढ़ जाएगा तो भाई फिर तो बल्ले बल्ले हो जाएगी इसकी। जा रहा है। नहीं भाई मुश्किल है। आराम से पुठन हो, सीधा हो। लो भाई इसको तो लगता है रीसेट करना पड़ेगा। एक मिनट रुक जाओ, कोशिश करता हूँ सीधा हो जाए। बस, लिया बैक। तो इसको बैक लेके चलते हैं साइड से भाई, थोड़ा साइड से लेके जाऊंगा, ऊपर लेके चलते हैं एक बार, फिर करते हैं इसका ट्रॉली के साथ टेस्ट, देखते हैं कितना गन्ना खींच देगा ये छोटा सा ट्रैक्टर। और इसको भाई यहाँ से लेके चलते हैं साइड से, क्योंकि यार खड़ी पहाड़ी नहीं चढ़ सकता ये। हॉर्स पावर और भाई ट्रैक्टर की पावर ज़रा कम है। चल इधर। हाँ आ गया। चढ़ गया भाई पहाड़ी, देखो ये भाई यहाँ पर भी पहाड़ी कम नहीं है, 90 डिग्री पे ही है। लो भाई कुछ भी कह लो, छोटा सा है लेकिन जान बहुत है। चलो इसको लगवाते हैं ऊपर से जंप बढ़िया सा, फिर चलते हैं इसको लेके खेत में। और भाई स्टीयरिंग बहुत बढ़िया सा कटिंग, देख रहे हो बहुत ही शानदार हो रही है। स्पीड 63 की है, तो दो वर्जन है इसमें, मतलब दो सेटअप है इंजन का और इसका, आप कोई भी ले सकते। देखते कितना जंप मारेगा ये। ये गया नहीं भाई, छोटा सा जंप मारेगा ये, स्पीड कम है ना ये। लो भाई ये हो गया पुट्ठा, चल हो जा खड़ा, इधर को नहीं होगा, इधर को होगा। लो ये हो गया खड़ा, चल नीचे फटाफट, चल जल्दी शॉर्टकट मार के भाई इसको नीचे लेके चलते हैं। ये अब तो खड़ा हो गया भाई, एक मिनट इसको ज़रा देखूँ उतार के, ये पलटे ना
आराम से। चल 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 चल, हाँ ब्रेक मार मार के उतारता हूँ इसको। एक बार गुरुद्वारे के पास आ गया। हाँ ऐसे उतारना सही है। देख ओ ब्रेक भाई स्लिप कर गया। लो भाई बाबा जी के पास आ गया, गुरुद्वारे मत्था टेक ले भाई। चल ठीक है ओके बाबा भाई थैंक यू। बाबा भाई मैं देखो नवा ट्रैक्टर लेके आया जी, तो बोटा था बहुत बढ़िया पाके इतना ट्रैक्टर बहुत सोहना छोटा प्यारा जहा। लो भाई बाबा जी ने आशीर्वाद दे देता, हम चल दें लेके। अब वो भाई ट्रॉली के साथ करते हैं इसका टेस्ट और बाहर चलते हैं रोड पे, ट्रैक्टरों के ट्रक के पास से निकालेंगे, अंदर से लाते हैं यार, अंदर चलाने का मज़ा आता है। हटोए ओए नजर नहीं आ रहा तुम्हें, हैं ट्रैक्टर लेके आ रहा हूँ जापान से और तुम अपने ट्रैक्टर इंडियन ट्रक लेके घूम रहे हो यहाँ पे। चलो भाई अब ट्रॉली लगाते हैं इसके साथ, भरते हैं इसमें गन्ना, देखते हैं ये ट्रैक्टर भाई कितना गन्ना खींचेगा। 5 लाख तो नहीं खींचेगा ये, हो सकता खींच भी दे यार कोई बड़ी बात नहीं। तो ये कुबोटा M111 ओके चल भाई वापस इधर को। ओके बस 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 चल भाई आ जा, अब इसको ले चलते हैं एक बार साइलो के नीचे। साइलो नहीं है भाई वो मतलब बाइंग स्टेशन है। वो कहाँ गया? ओ अच्छा इधर चला गया। मैं ज़्यादा ही आगे चला गया। चल भाई ओके आ गया, थोड़ा सा और आगे। लो भाई अब डालते हैं इसके अंदर गन्ना, गन्ना गन्ना डालने के लिए आगे ले चलते हैं इसको, ये आगे भी गन्ना। तो गन्ना डालता हूँ उसके अंदर भाई 3 लाख, तो 3 लाख से उसके बाद फिर भरेंगे 4 फिर 5। अब पता नहीं है 3 लाख भी खींच पाएगा या नहीं खींच पाएगा। ये हो गया भाई 2.5 लाख, थोड़ा सा आगे कर लेता हूँ एक बार। 3 लाख, लो भाई 3,10,000। इसके आगे वेट भी लगा है क्या? नहीं नहीं इसके आगे वेट नहीं लगा, लेकिन कुछ बना हुआ है डिज़ाइन सा भाई अच्छा सा। चलो ये लो भाई 3 लाख गन्ना लेके, इसके टायर पिछले दब गए हैं काफ़ी और कटिंग इसकी। लो 3 लाख में कटिंग सही नहीं हो रही, थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। देखो ये देखो ये देखो, अबे कहाँ जा रहा भाई। ओह भाई ये क्या हुआ। लो भाई 3 लाख में इसकी, तो मैंने पहले ही कहा था छोटा है ना ये खींच नहीं पाएगा, खींच रहा है लेकिन स्टीयरिंग की गड़बड़ हो गई ये। ओह भाई ये तो पहले ही गड़ा होने लगा। और इधर तो ला इसको, ओ भाई इधर ला, सलांगे कम मार। कह रहा है मुझे जापान भेज दो, मुझे कहाँ फंसा दिए इंडिया में इंडियन मैप में। एक मिनट भाई अभी नहीं छोड़ेंगे तेरे को, अभी तेरा टेस्ट करेंगे बेटा, रुक रुक तो जाए एक बार तू। और नहीं नहीं अभी अभी वापस नहीं डालना, इधर चल। अरे नहीं भाई मुश्किल है मुश्किल है, अच्छा घूम ही नहीं रहा भाई ये। चलो एक काम करते हैं गन्ने को वापस डाल देते हैं, गन्ने को वापस डाल देते हैं। चलो चलो ये तो मैं इससे डाल दूँगा, ये तो बटन याद हो गया। तो गन्ना ये खींचेगा 2-2.5 लाख, 3 लाख पे चल ही नहीं पा रहा, 3 लाख पे भाई का स्टेयरिंग गड़बड़ हो गया। ओके अब कनोला भाई इसमें डालनी पड़ेगी थोड़ी कम, क्योंकि कनोला होती है गन्ने से भारी। तो कनोला इसमें डालते हैं, कितने डालूं यार अब मुझे पता नहीं है कितने पे खड़ा हो जाएगा, तो 2 लाख डाल देता हूँ। लो अबे लो लो लो, दो 2 लाख के अभी तो भाई 1.60 ही हुई है और ये खड़ा हो गया। लो भाई 1,60,000 रुपये खड़ा हो गया, तो और ज़्यादा डाल दूंगा तो फिर तो भाई इसका। लो ओ भाई एक मिनट बस देख रहे हैं 3 लाख खींच देगा कि नहीं खींचेगा। चल 3 लाख 9 लाख खींच दी, लेकिन भाई की टांगे उठ गई। ओए होए ऐसे लेके जाएगा 3 लाख 9 लाख, हैं भाई 3 लाख 9 लाख लेके ऐसे चलेगा ये। और ये कटिंग तो अब होगी नहीं, स्टीयरिंग अगले पहिए हवा में है। तो कनोला ये ज़्यादा ज़्यादा 1,20,000 और 1,25,000 खींचेगा, 1.5 लाख डाली थी मैंने और ये खड़ा हो गया, तो मतलब 1 लाख ही लगा लो, 1,25,000 खींचेगा ज़्यादा ज़्यादा, इससे ज़्यादा कनोला नहीं खींच पाएगा। चल भाई ठीक है घुमा दे यार एक बार, चल वापस ले चल वापस, चल वापस तो चल ले। ये वापस भी नहीं जा रहा भाई, खड़ा हो गया फुल। एक मिनट
चलो यार इसको हटाते हैं, किसी ट्रैक्टर को लेके अपनी ट्रॉली को वापस तो डाल दें। अब तो चलता हूँ एक बार, देखता हूँ कौन सा ट्रैक्टर खड़ा है। चलो इसी को ले चलते हैं। आज कौन सा है ये? फार्म ट्रैक। ये अभी फार्म ट्रैक, इसको ले चलते हैं। और ये तो खींच ही देगा, इतनी कनौला तो खींच देगा 3 लाख। ओ वापस चल, वापस वापस वापस, एक मिनट, बस बस बस। हाँ ये तो खींच देगा भाई, ये देखो तगड़े ट्रैक्टर है ये भाई, अपने देसी ट्रैक्टर। ये देख कटिंग भी सही हो रही भाई की, देखो भाई। इससे लेके भाई डाल दें एक बार वापस कनौला को। इसकी अभी थोड़ी स्टीयरिंग में गड़बड़ हो रही है क्योंकि कनौला 3 लाख है। ओ भाई भाई भाई, वापस वापस कर, वापस कर, इधर काट। चल 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 चल, चढ़ा दे चढ़ा दे चढ़ा दे चढ़ा दे इधर नू। ओ भाई किधर जा रहा है यार, थोड़ा बैक करना पड़ेगा। चल आगे चल रहा हूँ। ओ भाई ये भी यार वहाँ पे चढ़ाई बहुत ज़्यादा है तो कम करना पड़ेगा। चल यार खिंच दे हूँ, एक मिनट लिया। ओ यार फार्म ट्रैक भी अटक गया यार, इससे नहीं हो, फार्म ट्रैक फंस गया। अब कौन किसको लेके आऊँ? चलो सोनालिका को ले चल, सोनालिका को तो ले गया था पिछली बार। अब एक मिनट रुक जा, ये कौन सा है? मैसी। ये कौन सा है? आयशर। ये सोनालिका, जॉन डियर। चलो जॉन डियर ले चलते हैं, इसको हटा के ट्रॉली हटा देते हैं। तो यह जॉन डियर कौन सा था ये भाई? 50-50E, इसको लगाते हैं। तो मैं तो कई मॉडल हैं भाई, नाम ही भूल गया, ये मैंने कई टाइम से चलाए नहीं है। तो इसकी लाइटें बड़ी शानदार थी यार, देखो। ओह ओ पीछे चल, पीछे 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 पीछे। ओ भाई गलत पैडल मार दिया, इसकी ब्रेकें थोड़ी सी तेज हैं, इसकी ब्रेक मतलब बहुत ही वो है, हल्की है। ओके भाई ये तो खींच देगा बड़े आराम से, देखो एक ही बार में ले आएगा ये भाई, है ना इस ट्रैक्टर जान। ओके ओ यार, अच्छा भाई इससे डालना था वापस। चल भाई दे दे जॉन डियर, कबूतर दे दे ट्रॉली। और तू अभी भाई रुक जा वहाँ पे शेड के नीचे। लो भाई इसको छोड़ देते हैं यहाँ पे, और जॉन डियर को वापस खड़ा कर देता हूँ अभी फ़िलहाल। इसको घुमा देता हूँ ज़रा यहाँ से बढ़िया सा। ओके चल आ जा आ जा, बस बस बस। ओके चल पीछे आ जा, पीछे पीछे पीछे। ओके ओ यार जा रही, ओ भाई आगे चल थोड़ा सा, ज़्यादा पीछे आ गए, बस ठीक है। दरअसल क्या है यार इसमें ना, दरअसल ब्रेक नहीं है तो मुझे ध्यान रहता है ये ब्रेक है, ये ब्रेक नहीं है, ये इसमें पीछे भागता है ट्रैक्टर, तो मेरे को ध्यान होता है ब्रेक का। इस गेम के अंदर मतलब ब्रेक नहीं है, हमें ब्रेक बनानी पड़ेगी खुद, तो प्रोफाइल सेट करनी पड़ेगी, उसके अंदर इसको ब्रेक लगाना पड़ेगा फिर गेयर लगाने के लिए। इसमें गेयर भी तो नहीं डलते ना, चक्कर ये है इसमें गेयर ऑटोमेटिक है सारे, तो इसकी प्रोफाइल कुछ ऐसी है। लो भाई आखिरी टेस्ट गाजर के साथ, इसके अंदर मैं गाजर 1 लाख ही डालूँगा क्योंकि भाई 1 लाख गाजर शायद खींच ना पाए। इसका रंग भी भाई गाजर जैसे ही है, देखो एकदम ऑरेंज ऑरेंज भाई, कलर बहुत अच्छा कलर, जैसे मतलब जो फिनिशिंग है ना मैट फिनिश, बहुत ही प्यारा कलर है। चल भाई ठीक है लिया गाजरा। ओके एक मिनट यहाँ से दबाते हैं बटन, इसको करते हैं गाजर को आ गए जल्दी। चल 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 कहाँ गया, और आ गया यार भाई, इसमें गाजर बहुत आगे जा गया। चलो 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 मेरी गाजर आ जा। तो इससे करते हैं स्टार्ट, थोड़ा आगे कर लेते हैं थोड़ा पीछे, बस भाई 1 लाख हो गई, 1 लाख लो, 1 लाख डालिए, 1,12,000 गाजर। और देख वो भाई खड़ा भी हो गया, स्टेयरिंग भाई स्टेयरिंग कटने का तो नवा, तो गाजर ये भाई 1 लाख नहीं खींचेगा ये गाजर, ये 70-80-60-70,000 गाजर खींचेगा अगर सही तरह खींचानी है। चल भाई वापस, लो भाई हो गया इसका गाजर का टेस्ट, गाजर ये ज़्यादा नहीं खींच पाएगा, 1 लाख भी नहीं खींची इसने तो। अब इसको एक मैं फुल भर देता हूँ, देखता हूँ भाई का क्या हल होने वाला है। तो मार भाई अंतर, देखते हैं 5 लाख गाजर पे क्या करता है भाई। ओ भाई इसको मुझे पूरा खड़ा करना है एकदम सीधा, हाँ और
और हो जा, और हो जा, और नहीं होगा। हो रहा है, देखते हैं। भाई नीचे आ गए तो, रुक जाओ रुक जाओ। नहीं भाई, 4x4 ट्रैक्टर देखो, सारे पहिए घूम रहे हैं। ये भाई इतना खड़ा होगा, ये देखो पहिए, देखो यार क्या घूम रहे हैं। आगे चल, नहीं इधर को चल, इधर उधर कहीं नहीं चलेगा भाई ये तो। 60-70 या 80 हज़ार गाजर खींचेगा, इससे ज़्यादा नहीं खींचेगा। 1 लाख पे खड़ा हो गया भाई, और गन्ना 2 लाख 2.5 लाख गन्ना खींचेगा, और कनोला भी 1.5-1 लाख 1 लाख 1.25 लाख खींचेगा, इससे ज़्यादा नहीं। हो सकता है 1.5 लाख भी खींच दे। चलो यार ठीक है, ये था इसका टेस्ट, इसको हटाते हैं बेचारे को, इसकी नहीं तो जान फंसी रहेगी। तो ये भाई जापानी कुबोटा M111, आप कुबेटो बोलो कुबोटा बोलो वो आपकी मर्जी। चलो ठीक है भाई, ये थे इसका गेम प्ले। मैंने सोचा था भाई इसका बना देता हूँ सुबह सुबह, क्योंकि यार भाई ने रिक्वेस्ट करी थी कि इसको टेस्ट करो। ओके दोस्तों, तो बताना भाई कैसा लगा इसका गेम प्ले, और फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए भाई अपना ख्याल रखिए, खाएं पिए स्वस्थ रहें, और कुबोटा का ट्रैक्टर चला के मस्त रहें। ओके दोस्तों, बाय बाय।